नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातुन। सीधे लखनऊ से खास पेशकश आप हमारी देख रहे हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। 5 कालिदास मार्ग, यहां पर सीएम का आवास है और इस वक्त पीएम की पाठशाला, यानी कि पीएम यहां पर खास तौर पर पहुंचे हैं उन मंत्रियों की क्लास लगाने जो कि नवनिर्वाचित मंत्री हैं, मार्च में चुने गए थे। लेकिन उनके विभाग में अब तक क्या कुछ काम हुआ है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आज 1-to-1 संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इन तमाम मंत्रियों का होने वाला है। ये एक बेहद अहम मौका माना जा रहा है, क्योंकि आज यानी कि सीएम आवास पर जिस तरीके की ये बैठक होगी, सभी मंत्रियों को 3 से 4 मिनट का वक्त दिया जा रहा है अपनी बात रखने के लिए। यानी कि पूरी तरीके से ये पता चल पाएगा कि उन्होंने अपने विभाग में अब तक क्या काम किया है, क्या उनका रिपोर्ट कार्ड रहा है, 2024 के लिए क्या तैयारी है, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। जाहिर तौर पर विधानसभा की 403 सीटें, लोकसभा की 80 सीटें और 75+ का नारा, यानी कि उस नारे और उस बुलंदी तक पहुंचने के लिए, उस मकाम तक पहुंचने के लिए सभी मंत्रियों ने अभी तक अपने अपने विभाग में क्या काम किया है, यही जानकारी लेने के लिए आज प्रधानमंत्री इन सभी मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। सभी अहम मंत्री तो मौजूद ही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं एयरपोर्ट गए थे प्रधानमंत्री को रिसीव करने अब से कुछ ही देर पहले, यानी कि लगभग आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे। 1 घंटे उनका कार्यक्रम डिले चल रहा है, विलंब से चल रहा है, यानी कि 6 बजे उन्हें यहां पर पहुंचना था और 9:30 बजे एक डिनर मीटिंग के बाद उन्हें यहां से रवाना होना था दिल्ली के लिए। लेकिन 1 घंटे का विलंब है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 2 से 3 घंटे के कार्यक्रम के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री की पाठशाला उन मंत्रियों के साथ, उन अहम पदाधिकारियों के साथ जो कि इस सूबे को संभालते हैं, जिनके ऊपर एक अहम जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को किस हद तक उन्होंने निभाया है, ये प्रधानमंत्री आज सभी मंत्रियों से जानने वाले। लेकिन इस बीच आज आपको बता दें कि लुम्बिनी में लखनऊ से पहले मौजूद थे प्रधानमंत्री, वहां पर नेपाल के पीएम से उन्होंने मुलाकात की और वहां पर किस तरीके का कार्यक्रम रहा ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। वहां पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे नेपाल के पीएम के साथ। मंदिर के दर्शन के बाद उनका अहम कार्यक्रम वहां पर हुआ, जिसमें आपको बता दें कि माया देवी के दर्शन किए, उन्हें पुष्करणी की परिक्रमा की, बोधि वृक्ष को जल दिया, बौद्ध सेंटर का शिलान्यास किया और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देवबा से बातचीत की। इसके बाद प्रधानमंत्री बुद्ध पूर्णिमा के दिन नेपाल का दौरा करने के बाद यहां पर यानी कि लखनऊ पहुंचे हैं और यहां पर 5 कालिदास मार्ग पर जहां पर सीएम का रेजिडेंस है वहां पर इस वक्त मीटिंग चल रही है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि ये मुलाकात आज की पीएम की पाठशाला के तौर पर देखी जा रही है। नेपाल यानी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत सागर माथा का देश, नेपाल आउंदा मलाई कुनै राजनीतिक भ्रमण भंडा अलग औटा छुट्टे आध्यात्मिक अनुभूति हुंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखिए हाथ दिलाकर सभी का अभिवादन यहां पर स्वीकार करते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, आगे की तरफ बैठे हुए हैं, सभी को अभिवादन स्वीकार करते हुए और यहां पर काफी उत्साह में दर्शक दिखाई दे रहे हैं। जो शांत है वो बुद्ध है, जो बुद्ध है वो शुद्ध है, और जो शुद्ध है वो संस्कृति संस्कार स्नेह की भावनाओं से भरा हुआ है। इन्हीं मृदभावों के साथ बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखिए हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आगे की तरफ बैठे हुए हैं सभी को अभिवादन स्वीकार करते हुए और यहाँ पर काफी उत्साह में दर्शक दिखाई दे रहे हैं और जो लोग बोल रहे हैं कि नेपाल के प्रति उनका प्रेम कैसा है इस बात को हम समझ सकते हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कितने उत्साह से भरे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला अब द्विपक्षीय वार्ता के जरिए यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। पीएम मोदी का संबोधन भी कुछ देर में शुरू हो जाएगा। भगवान बुद्ध की जयंती का शुभ दिन था और जगह वो जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, तारीख वो जब बोधगया में बुद्ध को ज्ञान मिला, साथ ही समय वो जब बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। इतने सारे संयोग थे और मोदी नेपाल में थे। कहाँ से आए हैं? लुम्बिनी संस्कृति। स्वागत करने के लिए? स्वागत करने के लिए हाँ। नरेंद्र मोदी जी का उत्साह से भरे हुए एकदम एकदम दिल जोश आई है उनका, उनका दिल से स्वागत है इधर, दिल से एकदम जोश है। सब लोग हैं। क्या चाहते हैं भारत के साथ नेपाल के कैसे संबंध होने चाहिए? अच्छा संबंध, अच्छे संबंध होने चाहिए। और क्या बोलेंगे? भारत नेपाल का झंडा, दोनों झंडा मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ रहा है, इस पर क्या बोलेंगे आप? एकदम आप लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं? हाँ। कौन से क्लास में? इलेवेंथ। इलेवेंथ में भारत के बारे में क्या सोच रखते हैं आप लोग? बहुत अच्छा है, यहाँ के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, अच्छे अच्छे विदेश जाते हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाते हैं, हमारे यहाँ भी हो सकता है कुछ लागू करें। 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी पांचवी बार नेपाल पहुँचे थे, ये बताने के लिए कि भारत और नेपाल के संबंध कितने प्रगाढ़ हैं। पीएम ने बताया, अलग औटा छुट्टे आध्यात्मिक अनुभूति हुंच। भारत और भारत के लोगों ने हजारों सालों से नेपाल को इसी दृष्टि और आस्था के साथ देखा। नेपाल भी मानता है कि भारत के साथ उसका रिश्ता सिर्फ दो देशों का रिश्ता नहीं है बल्कि भावनाओं का रिश्ता है। मंदिर अच्छा होगा, वो पहली बार जो बुद्धिस्ट सर्किट की बात होगी और ये बुद्ध जन्म यहाँ हुआ था, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया बोधगया में और पहला उनका प्रवचन हुआ सारनाथ। पहली बार वो पशुपति जनकपुर आए थे, पशुपति आए थे, वो वहां तक मुस्तांग भी गए थे, वो क्या बोलते हैं यहाँ, और इसमें यहाँ आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। दोनों देश संबंधों के धागे को और मजबूत करने में जुटे हुए हैं, इसीलिए नेपाल के साथ भारत की ओर से 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ। इसके पहले पीएम मोदी अपने विमान से कुशीनगर से लुम्बिनी पहुंचे थे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जब पीएम मोदी कुशीनगर से नेपाल के लिए उड़ान भरने की तैयारी में थे, उसी वक्त लुम्बिनी से 18 किलोमीटर दूर भैरवा में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा नेपाल के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे। मगर पीएम मोदी नेपाल के नए एयरपोर्ट पर नहीं उतरे। नरेंद्र मोदी का लुम्बिनी में होना अपने आप में कई संदेश देता है। एक तरफ बौद्ध धर्म को लेकर आगे बढ़ना जो शांति का, भाईचारे का संदेश देता है, दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण बात, लुम्बिनी से बिल्कुल पास में भैरहवा है। आपको बता दें वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन आज यहां के प्राइम मिनिस्टर की ओर से किया गया है। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहां से हेलीकॉप्टर से फिर सीधे लुम्बिनी में उस जगह पर लैंड करते हैं जहां से कुछ ही दूरी पर उनको पूजा अर्चना के लिए जाना होता है। भैरहवा में बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नहीं जाकर नरेंद्र मोदी ने सीधा संदेश दिया है चीन को, ये बताते हुए कि भले ही चीन ने यहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पैसे निवेश किए हों, लेकिन हिंदुस्तान भी अपने आप को लेकर किस तरह से आगे बढ़ा है। तो इसे सीधे सीधे ऐसे समझिए कि पीएम मोदी ने भले ही चीन का नाम नहीं लिया, उन्होंने भले ही चीन का जिक्र नहीं किया, मगर नेपाल में चीन के बनाए एयरपोर्ट पर ना उतरकर उन्होंने चीन को सख्त संदेश जरूर दे दिया है। नेपाल और भारत के बीच धर्म का धागा भी मजबूती से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पीएम मोदी का काफिला लुम्बिनी पहुँचा तो वहाँ से सीधे माया देवी मंदिर की ओर निकल पड़ा।
ये देखिए काफिले की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दूसरी बार शपथ लेने के बाद यहाँ पर नेपाल पहुंचे हुए हैं और उनका ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लैंका निवासी महामाया देवी मंदिर में प्रधानमंत्री वहां पर जाने वाले हैं और आपको बता दें वहां पर पूजा अर्चना तकरीबन आधे घंटे का बड़ा लंबा कार्यक्रम वहां पर रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये देखिए ये काफिले की तस्वीरें। लुम्बिनी के ऐतिहासिक माया देवी मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की, माया देवी की प्रतिमा के दर्शन किए और पवित्र कुंड में पुष्प अर्पित किए। लुम्बिनी का माया देवी मंदिर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। यह मंदिर गौतम बुद्ध की माता को समर्पित है। यह मंदिर पुष्पकर्णी नाम से पवित्र कुंड और बागीचे के पास बना है। इसे दुनिया का पहला बौद्ध तीर्थ स्थल कहा जाता है क्योंकि यह बौद्ध निर्माण का पहला प्रमाण है। साल 2013 में मंदिर के नीचे खुदाई करने वाली टीम ने 550 ईसा पूर्व से पहले के एक प्राचीन मंदिर के अवशेषों का पता लगाया था। इससे पहले सम्राट अशोक की ओर से ईंट से बनाई गई इमारत मिली थी, लेकिन 2013 में लकड़ी से बना उससे भी पुराना मंदिर मिला। माया देवी मंदिर में बौद्ध भिक्षुकों के साथ बातचीत के बाद पीएम मोदी ने पुष्पकर्णी तालाब की परिक्रमा की। यहां से वो उस बोधि वृक्ष को देखने पहुंचे जिसे उन्होंने ही नेपाल को दिया था। पीएम मोदी ने इसे जल से सींचा। यहां से पीएम मोदी निकले तो 2566वें बुद्ध जयंती समारोह में भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर की आधारशिला भी रखी। इस दौरान बौद्ध भिक्षुकों के मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ध्यान की मुद्रा में बैठे नजर आए। यहां उन्होंने बौद्ध विद्वानों भिक्षुओं को उपहार देकर सम्मानित किया। इस बौद्ध कल्चर और हेरिटेज सेंटर में बौद्ध परंपराओं का अध्ययन किया जाएगा। चित्रा त्रिपाठी के साथ रोहित कुमार सिंह, लुम्बिनी, आज तक। सीएम आवास के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है लखनऊ में और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार दृश्य दिखा दें। यहाँ पर प्रधानमंत्री के पोस्टर से पूरा रास्ता पटा पड़ा है। अगर एयरपोर्ट से आप आएंगे तो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इसी तरह के हजारों पोस्टर आपको बैनर दिखाई दे जाएंगे। लेकिन आज पीएम की जो यहाँ पाठशाला लग रही है उस पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार, देखिये 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 ये तमाम वो माइलस्टोन है जो एक एक करके बीजेपी के इस वक्त लक्ष्य पर है और सबसे अहम 2024 उसको लेकर आज की जो पीएम की पाठशाला है उसके क्या मायने हैं? बिल्कुल नेहा, ये जो पाठशाला लगी है दरअसल प्रधानमंत्री 2024 की जो बीजेपी की निगाहें हैं उसके लिहाज से बेहद अहम है। नए मंत्री तकरीबन 2 दर्जन के आसपास है जिसमें जो पहली बार बने हैं कुछ दूसरे दलों से आए हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त उनकी मीटिंग चल रही है, जो मुलाकात होनी है, जो कैबिनेट के मंत्री हैं सबों को 2-2 मिनट का वक्त दिया जाना है। सब उस बारे में अपनी राय अपनी बात रखेंगे प्रधानमंत्री के सामने। और पहले तो 100 दिन का जो एजेंडा रहा है उस पर चर्चा हो सकती है और उसके बाद आने वाले 6 महीने और फिर 2024 की तैयारियां, ये तमाम बातें होंगी इस पाठशाला में नेहा। लेकिन प्रधानमंत्री कुल मिलाकर मुझे लगता है एक हॉलिस्टिक अप्रोच रखेंगे और चूंकि उनका अनुभव 3 बार का रहा है, कई बार वो मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री हैं, तो अपने अनुभव को वो मंत्रियों के साथ शेयर करेंगे। एक छोटी सी बात बता दूं, ये पहला कार्यक्रम नहीं है। 2017 में भी जब जीत कर आए थे, पहली बार बीजेपी आई थी तो तमाम मंत्रियों के साथ उन्होंने डिनर किया था, लेकिन उस बार पहला कार्यक्रम नहीं है, ऐसे अनेकों कार्यक्रम और इसी के लिए बीजेपी जानी जाती है, प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। अपनी बात तो कहते ही हैं, रूपरेखा और खाका तो खींचा ही जाता है लेकिन फीडबैक भी लेते हैं, ये बेहद अहम है।